आज की वीडियो में हम प्लांट लेआउट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि प्लांट लेआउट का क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्लांट लोकेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और अब बात करते हैं कि प्लांट लेआउट का क्या मतलब है। प्लांट लेआउट मीन्स फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मैन मटीरियल्स मशीन्स एंड मैथड्स इन सच ए वे टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट। इसकी आसान सी डेफिनेशन ये है कि मैन मटेरियल्स मशीन्स एंड मेथड्स का इस तरह का फिजिकल अरेंजमेंट करना कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल कर सके मिनिमम कॉस्ट के साथ, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्लांट लेआउट। अच्छा, इसके अंदर मैन का क्या मतलब होता है? मैन का मतलब होता है ह्यूमन एलिमेंट, कि आपके प्लांट के अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं, जितने भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको मैन कहते हैं। और मटेरियल्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज होती है उसको मटेरियल का नाम देते हैं। मतलब आपका जो भी प्लांट है, जो भी प्रोडक्शन यूनिट है, उसके अंदर जो भी चीज़ या जो भी आइटम आप यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसके अंदर रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, आपके स्पेयर्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो सकती हैं, ये मटेरियल्स में आती हैं। और मशीन्स के अंदर आपके वो इक्विपमेंट्स आते हैं जो कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, उनको मशीन्स या इक्विपमेंट्स कहते हैं। और मेथड्स जो होते हैं ये आपके वो प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू कन्वर्ट होता है रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में। तो इन चारों का जो अरेंजमेंट है ना, इन चारों का जो फिजिकल अरेंजमेंट है उसको कहते हैं प्लांट लेआउट। मतलब क्या हुआ कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मैन मटेरियल्स मशीन्स एंड मेथड्स, इसको कहते हैं प्लांट लेआउट। और ये जो मैन मटेरियल्स मशीन्स एंड मेथड्स है ना, इसको कहते हैं 4 M's ऑफ प्रोडक्शन। प्लांट लेआउट की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, वो ये है कि प्लांट लेआउट इज डिफाइंड एज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट फैसिलिटीज एंड मशीन्स, कि प्लांट की जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनका जो फिजिकल अरेंजमेंट है उसको भी प्लांट लेआउट का नाम देते हैं। अब फैसिलिटीज का क्या मतलब है उसकी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी हमने एक एग्जाम्पल ली है कि ये इसकी एक बाउंड्री वॉल है, ये पूरी एक बाउंड्री वॉल है इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। ये वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। तो ये इसकी बाउंड्री वॉल है और इस बाउंड्री वॉल के अंदर ये डिफरेंट फैसिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका अनलोडिंग एंड इंस्पेक्शन एरिया है, यहाँ पे आप रॉ मटेरियल को अनलोड करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, फिर उसको यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पे रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर चेंज किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन होती है, जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाती हैं उनकी यहाँ पे पैकिंग होती है। और ये आपका ग्रिड स्टेशन है, मतलब यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसके साथ आप कनेक्टेड है, यहाँ से आप पावर सप्लाई लेते हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस वर्कशॉप्स हैं कि जो भी आपके इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हैं उनकी मेंटेनेंस की वर्कशॉप्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपका वेयर हाउस है, यहाँ पे आप फिनिश गुड्स को स्टोर करते हैं या अनफिनिश गुड्स को स्टोर करते हैं या रॉ मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। यहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है जिसमें आपके HR डिपार्टमेंट काम करता है या फाइनेंस डिपार्टमेंट काम करता है। ये वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं कि आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अगर जो पानी चाहिए उसकी स्टोरेज की फैसिलिटीज यहाँ पे हैं। तो ये प्लांट लेआउट की एग्जाम्पल है कि एक बाउंड्री वॉल के अंदर डिफरेंट फैसिलिटीज हैं, उनका जो फिजिकल अरेंजमेंट है इसको कहते हैं प्लांट लेआउट। कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक कहाँ पे होगा, पैकिंग किस जगह पे होगी, वेयर हाउसिंग कहाँ पे होगी, ग्रिड स्टेशन किधर होगा, मेंटेनेंस वर्कशॉप्स किधर होंगी, प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, अनलोडिंग एंड इंस्पेक्शन कहाँ पे होगी, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कहाँ पे होगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल का काम कहाँ पे होगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका कहाँ पे होगा, ठीक है, आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट कहाँ पे काम करेगा। तो ये बेसिकली जितनी भी प्लांट की फैसिलिटीज हैं उनका जो फिजिकल अरेंजमेंट है उसको कहते हैं प्लांट लेआउट। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि प्लांट लेआउट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये है ना कि बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन। जैसे हमने ये एग्जाम्पल ली ना कि ये सारी एक बाउंड्री वॉल है, ये जो ब्लैक शेडेड एरिया है ये इसकी बाउंड्री वॉल है। इस बाउंड्री वॉल के अंदर डिफरेंट फैसिलिटीज हैं, तो इन फैसिलिटीज को इस तरह अरेंज करना कि ये जितनी भी आपके पास स्पेस है इसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो ये इसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है प्लांट लेआउट का। फिर उसके बाद है इजी मटेरियल हैंडलिंग, कि आपकी ये जो फैसिलिटीज़ है ना अगर ये करीब करीब लोकेटेड होंगी तो आपकी मटेरियल हैंडलिंग इजी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपका मटेरियल अनलोड होता है और इधर ही इंस्पेक्शन हो जाती है,
उसके बाद इसको प्रोडक्शन यूनिट के पास लाया जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये दोनों फैसिलिटीज़ बिल्कुल करीब करीब लोकेटेड है, तो यहाँ पे आपकी मटेरियल हैंडलिंग ईजी हो जाएगी। इस तरह जब यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट फाइनल बन जाती है तो उनकी यहाँ पे पैकिंग होती है, ये बिल्कुल इसके साथ ही लोकेटेड है। इस पैकिंग के बाद इसकी वेयर हाउसिंग है, तो ये भी इसके बिल्कुल करीब है। मतलब क्या हुआ कि आपने जो प्लांट की फैसिलिटीज़ हैं उनको इस तरह ऑर्डर में रखा हुआ है, उनको इस तरह उनका अरेंजमेंट किया हुआ है कि आपकी मटेरियल हैंडलिंग जो है वो इजी हो जाए, मटेरियल कंट्रोल आसानी से हो जाए, मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन कम से कम हो। जब आपकी मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन कम से कम होगी ना, तो इससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी तो इससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जब आपका मटेरियल हैंडलिंग कम से कम होगी ना, मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन कम से कम होगी, मतलब आपकी फैसिलिटीज़ करीब करीब होंगी, तो इसका मतलब यह है कि आपको मटेरियल बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ रहा, जिसकी वजह से आपके जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर आपका प्लांट लेआउट अच्छा है, आपने अच्छा डिज़ाइन किया है, अच्छा फिजिकल अरेंजमेंट किया है डिफरेंट फैसिलिटीज़ का, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ती है? इससे प्रोडक्टिविटी इस तरह बढ़ती है कि आपकी मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगता। यहाँ पे आपने अनलोडिंग की और साथ ही उसकी इंस्पेक्शन भी होगी, और फिर आपने उसको प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज कर लिया, तो यहाँ पे आपका टाइम भी कम लगा और यहाँ पे आपकी कॉस्ट भी कम आई। प्लस चूंकि ये फैसिलिटीज़ बिल्कुल करीब करीब हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन कम करना पड़ी, मटेरियल हैंडलिंग कम करना पड़ी, जिसकी वजह से आपको कम ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी, कम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, तो जिससे क्या हुआ कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी बेटर यूटिलाइजेशन होती है। और जब आपकी रिसोर्सेज की बेटर यूटिलाइजेशन होती है, मटेरियल्स की बेटर हैंडलिंग होती है, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस भी अचीव होती है और ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसके अलावा इफेक्टिव प्लांट लेआउट से आपको बेटर वर्किंग कंडीशंस भी मिलती हैं। बेटर वर्किंग कंडीशंस का क्या मतलब है कि आप सेग्रीगेट कर देते हैं डिफरेंट प्लांट फैसिलिटीज़ को, कि अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है ना, इसका काम बिल्कुल डिफरेंट है प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है, इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की और हैं, पैकिंग की और हैं, वेयर हाउसिंग की और हैं, इसी तरह मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की और। तो जब आप काम को सेग्रीगेट कर देते हैं, काम को उसकी नेचर ऑफ जॉब की वजह से सेपरेट कर देते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनके जो प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं उनको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते। फर्ज करें जो लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं ना, यहाँ पे उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, PPEs की जरूरत पड़ती है, उनको हेलमेट की, सेफ्टी शूज की, एयर प्लग्स की, मास्क की, ठीक है, या प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि वो मटेरियल को इजीली हैंडल कर सकें जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज हो रहे हैं। जबकि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करते हैं ना, उनको इन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह जो लोग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं ना, उनको भी लेस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह जब आप प्लांट लेआउट को इफेक्टिवली डिज़ाइन कर लेते हैं, प्लांट की फैसिलिटीज़ को इफेक्टिवली उनका अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो आप उनके लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके लिए लाइटिंग, वेंटिलेशन, नॉइज़ को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इससे जो आपका प्लांट है ना, उसकी बेटर आउटलुक आती है, उनकी हाउसकीपिंग ईजी हो जाती है। हाउसकीपिंग का मतलब ये होता है कि प्लांट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक ऑर्डर में रखना। अब यहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, वेयर हाउस है, पैकिंग हो रही है, ग्रिड स्टेशन है, प्रोडक्शन है, अनलोडिंग है, वाटर स्टोरेज है, मेंटेनेंस है, तो ये क्या हो गया कि आपने प्लांट का इतना इफेक्टिव फिजिकल अरेंजमेंट किया ना कि उसे एक बेहतर उसकी आउटलुक आती है। फ़र्ज़ करें आप एक इंडिविजुअल पार्किंग से एंटर होता है तो सामने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक आता है, एक खूबसूरत बड़ी बिल्डिंग आती है। तो जब आप प्लांट की डिफरेंट फैसिलिटीज़ को इस तरह अरेंज कर देते हैं, उनको प्रॉपरली अरेंज करते हैं, तो इससे प्लांट की आउटलुक बेहतर होती है, मटेरियल हैंडलिंग बेहतर होती है, जिससे आपकी हाउसकीपिंग बेहतर होती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है प्लांट लेआउट के। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।